नमस्कार, मैं डॉक्टर डीसी टूडी सहाचार्य ज्योग्राफी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज शामली। आज बीए पार्ट थर्ड का विश्व का प्रादेशिक भूगोल के संबंध में अपन बात करेंगे, जिसमें प्रदेशों का वर्गीकरण। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में प्रदेशों का वर्गीकरण क्या है, इस संबंध में अपन इस चैप्टर को आगे देखते हैं। प्रदेशों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रीजन। प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें भौगोलिक दशाओं की समानता तथा विकास संबंधी समस्याओं की समरूपता होती है। ग्रेफिथ टेलर के अनुसार प्रदेश पृथ्वी के धरातल का एक इकाई क्षेत्र है। भूगोलविता ए जे हर्बर्टसन के अनुसार प्रदेश जल, पौधे, जीव जंतुओं तथा मानव का भूमि पर एक सम्मिश्रण है, जिसका परस्पर एक दूसरे के स्थान संबंधित होते हैं। भूगोलविता रिचर्ड हर्सन ने प्रदेशों को एक निश्चित स्थिति का क्षेत्र बताया, जो आसपास के क्षेत्रों से किसी न किसी प्रकार से भिन्न होते हैं। प्रदेशों को विभिन्न तत्वों को सम्मिश्रण के आधार पर विभिन्न वर्गों के व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें क्षेत्रीय समरूपता को मद्देनजर रखा जाता है। इस प्रकार पृथ्वी पर व्याप्त विभिन्न लक्षणों तथा कार्यों के आधार पर प्रदेशों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें नंबर एक प्रदेशों का वर्गीकरण। नंबर एक जातीय प्रदेश। ये जातीय प्रदेश क्या है? जेनेरिक रीजन क्या है? प्रकृति में समरूपता रखने वाले प्रदेशों को जातीय या सम्मान प्रदेश कहते हैं। ये प्रदेश भूस्तर पर अलग अलग पाए जाते हैं, जैसे मानसूनी जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, टेगा प्रदेश आदि। इनमें भूमध्य सागरीय जलवायु दक्षिणी यूरोप के भूमध्य सागरीय तट पर, पश्चिमी एशिया का तटीय भाग तथा उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप के तटीय क्षेत्र, कैलिफोर्निया, दक्षिणी अफ्रीका का नेटाल क्षेत्र आदि पाया जाता है। नंबर दो विशिष्ट प्रदेश, स्पेसिफाइड रीजन। इस प्रकार के प्रदेशों का एक ही नाम होता है। इनकी इकाई का निर्धारण भौतिक तथ्यों तथा मानवीय क्रियाकलापों को भिन्नता पर आधारित होती है। विशिष्ट प्रदेश अपने आकार, संरचना, आकृति, प्रतिरूप तथा विशिष्ट क्रियाओं द्वारा निर्धारित होते हैं। ये एक सम्मान यूनिक होते हैं, जिन्हें विभिन्न तत्वों के द्वारा समानता स्थापित होती है। दामोदर घाटी, फ्रांस के पेज, जर्मनी का रूहर बेसिन आदि इस प्रकार के प्रदेश। नंबर तीन प्राकृतिक प्रदेश, फॉर्मल रीजन। फॉर्मल रीजन क्या है? इनमें सर्वतः एक लक्षण की समरूपता होती है। ये प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दोनों रूप में होते हैं, जैसे थार का मरुस्थल, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, यूराल प्रदेश आदि। इसका विस्तार अधिक होता है, जिसमें पूर्ण समानता के मध्य अनेक भागों में मानवीय आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों में पर्याप्त विभिन्नता मिलती है, जिस कारण पूर्ण एकता परिवर्तित स्वरूप में दृष्टिगत होती है। नंबर एक चार कार्यात्मक प्रदेश। नंबर चार कार्यात्मक प्रदेश फंक्शनल रीजन में आकृतिक प्रदेशों की तरह सम्मानता व सम्मानीकरण नहीं है मिलता। इस संबंध में भूगोलवेता हर्षण ने लिखा है कि कार्यात्मक प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें सर्वतः एक से कार्य अथवा संगठन की समानता होती है, जो किसी विशिष्ट गणतात्मक कार्य, आर्थिक, परिवहन एवं यातायात द्वारा परस्पर संबंध रहता है। इन प्रदेशों में तत्व एक साथ अपना कार्य करते हैं, ये परस्पर हो रहते हैं, जिन्हें मानवीय क्रियाओं संबंध रहती है। ये स्थानीय व्यवस्था भी कहते हैं, जिसकी गतिविधियों क्षेत्रीय विस्तार में बनती है। कार्यात्मक प्रदेश मानव को आर्थिक क्रियाकलापों पर ध्यान आकर्षण रखता है, जिसमें मुख्य उसमें निहित विभिन्न क्षेत्रों में
संबद्धतापूर्ण कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है, जहाँ प्राकृतिक वातावरण गौण हो जाता है। कार्यात्मक प्रदेशों को उत्पत्ति के आधार पर निम्न रूपों में विभक्त किया जा सकता है: पशु चारण प्रदेश, नंबर दो कृषि प्रदेश, निर्माण प्रदेश, भूमि उपयोगी प्रदेश आदि। कार्यात्मक प्रदेश अन्य क्रियाओं के नगरीय केंद्र होते हैं, जिन्हें मूल एवं परिधि क्षेत्र लक्षण भी उभर जाते हैं। ऐसे मूल शहर सिटी एवं पृष्ठ प्रदेश हिंटरलैंड के रूप में देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर पाँच, प्राकृतिक प्रदेश नेचुरल रीजन्स। प्राकृतिक प्रदेशों वे होते हैं जिनमें भूरचना, स्थलाकृति, जलवायु तथा वनस्पति के समागमता पाई जाती तथा इन तथ्यों को संदर्भ में निकटवर्ती क्षेत्रों से भिन्न होता है। प्राकृतिक प्रदेशों में सीमांकन में भौतिक कारकों को मद्देनजर रखा जाता है। वर्तमान समय में मानवीय तत्वों को भी महत्व दिया जाने लगा है। भौतिक तत्वों के आधार पर भूरचना प्रदेश, उच्चाउच्च प्रदेश, जलवायु प्रदेश, मृदा प्रदेश तथा वनस्पति प्रदेश आदि रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भूगोलवेता हर्बर्टसन के अनुसार अर्थित एक प्राकृतिक प्रदेश पृथ्वी तल पर ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ प्राकृतिक वातावरण के तत्व मानवीय गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक प्रदेशों को सीमांकन में भौतिक तत्वों के साथ मानवीय तत्वों का समावेश के उपरांत इन्हें प्राकृतिक प्रदेशों की जगह भौगोलिक प्रदेश कहा जाने लगा।